नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत की मार्च की तिमाही की जीडीपी 5.8% पर आ गई है। शुक्रवार को जो डेटा जारी हुआ है उसके अनुसार जनवरी से मार्च की तिमाही में जीडीपी पिछले 5 साल में सबसे कम है। पिछले 1.5 साल में पहली बार हुआ है जब भारत की जीडीपी चीन की जीडीपी से नीचे आ गई है, पीछे चली गई है। चीन की जीडीपी 6.4% है। जनवरी से मार्च की जीडीपी के बारे में अनुमान लगाया गया था, भविष्यवाणी की गई थी कि 6.3% तक रहेगी, लेकिन जीडीपी उससे भी कम हो गई है। रिजर्व बैंक ने अनुमान जाहिर किया था कि 2019-20 की जीडीपी 7.2% तक जा सकती है, मगर अब लगता है कि उसे छुपाना मुश्किल है। इस जीडीपी में खेती का योगदान और घटा है। जीडीपी भले कम हो, लेकिन वित्त मंत्रालय को आज 50 साल में पहली बार महिला वित्त मंत्री मिली है। 2070 में इंदिरा गांधी वित्त मंत्री थी। निर्मला सीतारमण भारत की पहली रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। अपने कार्यकाल के दिन जीडीपी दर में आई कमी अच्छी तो नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। क्या यह अर्थव्यवस्था में किसी ठहराव का संकेत है? ऑटोमोबाइल सेक्टर पहले से ही गिरावट झेल रहा है, कार कंपनियों ने अपना उत्पादन कम कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत खराब है। पिछले साल जनवरी से मार्च के बीच, पिछले साल 2018 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 9.5% थी, लेकिन देखिए इस साल जनवरी से मार्च के बीच 3.1% हो गई है। कितनी कमी आ गई है। 2014-15 के बाद जीडीपी की दर इतनी कम हुई है। सरकार पर दबाव होगा कि वह ऐसी नीतियां बनाए कि लोग ज्यादा पैसे खर्च करें, क्योंकि उपभोक्ता वस्तुओं की खपत में भी ठहराव के आंकड़े आ रहे हैं। 5 जुलाई को मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा नहीं था, आपको याद होगा। सरकार ने नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। 2017-18 के लिए सालाना रोजगार सर्वे मंजूर होने के बाद भी जारी नहीं की गई। इसी में था कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी की दर है। तो इसके विरोध में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के पीसी मोहनन और जीवी मीनाक्षी ने इस्तीफा दे दिया था कि सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। आज भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 जारी कर दिया। सांख्यिकी विभाग के सचिव का कहना है कि आवधिक श्रम बल, पीरियोडिक लेबर सर्वे इसको बोलते हैं, पीएलएस, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में इस बार पैमाने बदले गए हैं, इसलिए पुरानी रिपोर्ट जो नहीं आई उससे तुलना करना ठीक नहीं होगा। इस रिपोर्ट में वही बात है क्या जो दिसंबर में बाहर आने से रोक दी गई? बातें तो कुछ कुछ मिली जुली लगती हैं। 31 मई को जारी रिपोर्ट में माना गया है कि बेरोजगारी की दर, औसत दर जो है पूरे भारत में 6.1% हो गई है। शहरों में रोजगार के लिए जो युवा उपलब्ध हैं उनमें बेरोजगारी की दर 7.8% है। गांव में रोजगार के लिए जो युवा उपलब्ध हैं उनमें बेरोजगारी की जो औसत दर है वो 5.3% है। यह औसत आंकड़ा है, लेकिन अलग अलग देखने पर स्थिति भयावह नजर आती है। गांव में जो बेरोजगारी है उसका हमें अंदाजा भी नहीं। ये और बात है कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, फिर भी चूंकि रिपोर्ट में लिखा है इसलिए जिक्र जरूरी है। बेरोजगारी का आंकड़ा औसत रूप में तो 6.1% लगता है, यह भी काफी है, मगर रिपोर्ट का डिटेल देखने पर स्थिति कुछ और नजर आती है। जैसे 2011-12 में गांव में 15 से 29 साल के युवाओं में, पुरुष युवाओं में बेरोजगारी 5% थी, जो 2017-18 में गांव में जो बेरोजगारी है मेल यूथ में वो बढ़कर 17.4% हो गई। 2011-12 में गांव में 15 से 19 साल की लड़कियों में बेरोजगारी 4.8% थी, लेकिन 2017-18 में बेरोजगारी बढ़कर 13.6% हो गई। इस तरह अगर आप शहरों में लड़के और लड़कियों में बेरोजगारी की दर देखेंगे तो तस्वीर विस्फोटक नजर आएगी। अर्बन मेल यूथ यानी शहरों के युवाओं में बेरोजगारी की दर 2004-05, 2011-12 में 7.5 और 8.8% थी, लेकिन 2017-18 में यह बढ़कर 18.7% हो गई, जो भयानक है। 2004-05, 2011-12 के बीच शहरी लड़कियों में बेरोजगारी की दर 13% और 14.9% थी, लेकिन 2017-18 में यह बेरोजगारी की दर 27.2% हो गई। दिसंबर में जो रिपोर्ट जारी होनी थी और नहीं हुई उसमें यह बात थी कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी की दर है।
अगर हमारे पास वो पैमाना ना भी हो तो भी शहरों में औसत बेरोजगारी की दर काफी है, लगभग 8%। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने सोमेश झा से बात की। सोमेश झा उसी बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं जिनकी रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया था। आपने जो खबर लिखी थी बिजनेस स्टैंडर्ड में, तब उस समय कौन कौन से मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्ट को, आपकी स्टोरी को, जो पूरा डेटा निकला था, उसको क्रेडिबल मानने से मना कर दिया था। हाँ जी, उस टाइम पे मुझे याद है कि स्मृति ईरानी जी ने खुद ही कहा था कि ये फेक न्यूज़ है, ये एक डेटा को बनाया गया है, ये डेटा ऐसा कुछ है भी नहीं, इसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। फिर हमारे स्टेटिस्टिक्स मिनिस्टर खुद ही थे गौड़ा जी, उन्होंने भी ये कहा था कि ये फेक न्यूज़ है। तो तरह तरह की कोशिशें की गई थी कि रिपोर्ट को एक नया रुख देने की और एक फेक न्यूज़ के ज़रिए बताने की जनता को, जो कि आज गलत साबित हुई है। तो सरकार ने, आपने कहा था 45 साल में सबसे ऊंची दर है बेरोजगारी की, सबसे उच्चतम स्तर पर है, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है रिपोर्ट में, सरकार का क्या कहना है? तो हाँ, ये सरकार ने ज़रूर नहीं लिखा है कि 45 साल में सबसे ज़्यादा है, लेकिन सरकार ने खुद ही अपने, जो आप रिपोर्ट में जाएंगे उसमें आप देख पाएंगे कि पुराने जितने भी नंबर्स हैं सारे कंपेयर किए हैं अभी इस वाले नंबर के साथ, जो कि ये दिखाता है कि 45 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो सरकार आज ये कहना चाहती है कि ये नंबर आप पिछले रिपोर्ट से कंपेयर कर नहीं सकते हैं, जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट से अगर आप बात करें तो वो यही बोलेंगे कि सारे नंबर्स कंपेयर कर सकते हैं आप। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो सरकार कह रही है कि 45 साल नहीं कह सकते सबसे ज़्यादा है, वो मेरे ख्याल से गलत है। उस समय कई इंटेलेक्चुअल्स ने, जो कि नीति आयोग के प्रमुख हैं राजीव कुमार, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी आपकी रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया था। क्या रुख था उस वक्त? तो पहले दिन ही जब ये खबर छपी तो उस दिन शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, राजीव कुमार जी थे, अमिताभ कांत जी थे, तो उसमें तरह तरह की नए नैरेटिव लाने की कोशिश की। राजीव कुमार जी ने बोला कि ये रिपोर्ट ड्राफ्ट है, हमें कुछ टाइम दीजिए, मास तक का टाइम दीजिए, हम रिपोर्ट लेके आएंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि असली नंबर क्या है। लेकिन वो चुनाव से पहले का समय था, इसलिए मुझे लगता है कि वो रिलीज़ नहीं किया गया। अब वो टेकिंग सेरेमनी हो गई है, उसके बाद जाके जो अब रिपोर्ट रिलीज़ की है वो वैसी की वैसी है जो कि हमने जो रिपोर्ट की गई थी जनवरी में वैसी ही है, तो कोई बदलाव नहीं है इसमें। तो मतलब वो ड्राफ्ट तो कुछ भी नहीं था, वो मतलब एक तरह से मिसलीड करने की कोशिश की गई थी। तो आपने देखा कि सुमेश झा ने किस तरह से बताया कि 45 साल का जिक्र भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन ये जो बेरोजगारी की दर है वो 45 साल में सबसे अधिक है। चूंकि चुनाव का समय था, चुनाव आने वाला था, तो तरह तरह की बातें फैलाकर उस रिपोर्ट को नामंजूर कर दी गई और उसको डिस्क्रेडिट कर दिया गया, उसे अवैध साबित करने का प्रयास किया गया। लेकिन अब तो सबके सामने है कि बेरोजगारी की दर सचमुच भयंकर है। ये और बात है कि ये मुद्दा नहीं बनेगा और इसका अब क्या किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार चिंतित नहीं होगी। उधर प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया और काम भी शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इन फैसले को देखकर लगता है कि सरकार का जोर इस बात पर है कि सामाजिक सुरक्षा पर ही अब पैसा खर्च किया जाए, जो बाद में किसी तरीके से अर्थव्यवस्था को एक तरह से बल दे। जिस तरह से व्यापारियों और किसानों को पेंशन देने के वादे पर फैसला हुआ है, पीएम किसान योजना का विस्तार हुआ है, उससे लगता है कि सरकार लोगों के हाथ में पैसा देकर खर्च की क्षमता बढ़ाना चाह रही है। मगर इस बैठक में प्रधानमंत्री ने पहला फैसला शहीद परिवारों से संबंधित लिया। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले जवानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा दी गई है। यही नहीं, इस योजना में आतंकी और नक्सली हमले में शहीद हुए पुलिस सेवा के लोगों को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने पहले फैसले को भारत को सुरक्षा देने वालों के नाम समर्पित किया है। नेशनल डिफेंस फंड के तहत प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप दी जाती है। लड़कों की छात्रवृत्ति 2200 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। लड़कियों के लिए 2250 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। यही नहीं, किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है। पीएम किसान योजना का विस्तार किया गया है, सभी किसानों को इसके दायरे में लाया गया है। 14.5 करोड़ किसान शामिल हैं। पहले 12 करोड़ लघु व सीमांत किसान थे, अब सभी किसानों को साल में 6000 रुपया मिलेगा। इसके लिए सरकार को हर साल 87,000 करोड़ खर्च करने होंगे। व्यापारियों को भी 3000 पेंशन का फैसला कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है, मंजूर कर दिया है। 1.5 करोड़ से जीएसटी में 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले 60 साल के जो व्यापारी हो जाएंगे, 3 करोड़ ऐसे 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों को पेंशन मिलेगी। 60 साल के किसानों को 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला हुआ है। छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, कुछ न कुछ सामान बेचने वाला है,
तो इनके लिए भी जैसे किसान के लिए पेंशन है, जैसे असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन योजना है, वैसे इन वर्गों के लिए भी अलग पेंशन योजना शुरू की है। उसका रूप एक ही है और इसमें 5 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारी और सामान बेचने वाले छोटे दुकानदार ऐसे शामिल होंगे आने वाले 3 साल में, ये कल्पना है। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा ये एनरोलमेंट कर सकते हैं, वही फॉर्मूला है, 18वें साल में करेंगे तो रोज 2 रुपए है, अगर 29वें वर्ष में करेंगे तो 100 रुपए महीने के है और 40वें साल में करेंगे तो 200 रुपए महीने के। और सरकार ने छोटे मंजिले व्यापार के लिए बहुत सारी निर्णय लिए, जीएसटी ने 1.5 करोड़ रुपए तक का जिनका एनुअल टर्नओवर है वो अब जीएसटी के कक्षा में नहीं आते, उन्हीं के लिए ये पेंशन की स्कीम है। और इसलिए और उनको मुद्रा लोन भी मिलता है आसानी से। तो जो एकदम छोटे व्यापारी है, खुदरा व्यापारी है और जो छोटा छोटा सामान बेचते हैं उनके लिए ये योजना है। ये भी एक लैंडमार्क डिसीजन, एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ये लिया है। अमित शाह गृह मंत्री बने हैं और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री बने हैं और प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री, स्मृति ईरानी को महिला व बाल विकास मंत्रालय दिया गया है, गिरिराज सिंह को पशुपालन मत्स्य पालन का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, रामविलास पासवान और नितिन गडकरी पुराने मंत्रालय में ही हैं, एक नया मंत्रालय बना है जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय, इसके कैबिनेट मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय पुराना नाम था जिसे बदलकर जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया है, तब गंगा संरक्षण मंत्रालय बना था तो छानबीन होती थी कि गंगा मंत्रालय का क्या रिजल्ट है, अब मंत्रालय से गंगा का नाम हट गया है। जो लोग मंत्री नहीं बन सके उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं कि इन दिनों समर्थक घूर घूर कर परेशान कर देते होंगे कि आप क्यों नहीं बने, थोड़ा और जोर लगा देते अध्यक्ष जी के सामने, ऐसे सांसदों के पास अब भी बहुत कुछ करने के लिए है, उन्हें याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने इस बार 85 से अधिक सांसदों के टिकट काट दिए थे, इसलिए सांसद के रूप में भी अच्छा काम कर मंत्री न बन पाने का अफसोस मिटा सकते हैं। और पिछली सरकार में मंत्री रहे 36 लोग तो दोबारा मंत्री नहीं बने, दो भले स्वास्थ्य कारणों से नहीं बने लेकिन 34 लोग तो नहीं बने। जो मंत्री बने हैं उनके बारे में अब बात करते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय संभालने का जिम्मा मिला है रमेश चंद पोखरियाल निशंक को, 44 किताबों की रचना कर चुके हैं, इसके अलावा पार्ट टाइम में वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, 5 बार विधायक रहे, यूपी उत्तराखंड में विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे 2014 में, इसलिए निशंक जी के राजनीतिक काम को पार्ट टाइम कहा क्योंकि इतनी व्यस्त जिम्मेदारियों के बाद कोई 44 किताबें लिख डाले कायदे से मानव संसाधन मंत्रालय तो उसे ही मिलना चाहिए था और मिला भी। निशंक की अपनी एक वेबसाइट भी है जिस पर पहली पंक्ति में यह लिखा है कि निशंक मूल रूप से साहित्यिक विधा के व्यक्ति हैं। इस वेबसाइट के बारे में आपको इसलिए भी बता रहा हूं कि यह भी सीखिए कि राजनेता अपने सार्वजनिक जीवन में कितनी तैयारी रखते हैं। विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद रहते हुए 44 किताब लिखना कोई लूडो का खेल नहीं है, वो भी निशंक जी का अटेंडेंस पार्लियामेंट में 80% से अधिक है। निशंक ने कविता संग्रह लिखी है, कहानी संग्रह लिखी है, पर्यटन पर किताबें लिखी हैं, उपन्यास और व्यक्तित्व का विकास 4-4, 5-5 श्रेणियों में कई किताबें लिखी हैं। मुझे विधाता बनना है किताब का नाम है, मेरी व्यथा मेरी कथा, संसार कायरों के लिए नहीं है, तुम भी मेरे साथ चलो, खड़े हुए प्रश्न ए वतन तेरे लिए, टूटे दायरे अपना पराया, सफलता के अचूक मंत्र, बच्चों के लिए भी रचनाएं हैं, मेहनत पर भरोसा करो भाग्य पर नहीं, बस एक ही इच्छा, ये सब किताबों के नाम हैं। निशंक जी ने लोकसभा की साइट पर लिखा है कि निशंक साहित्य 12 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, भारत और विदेशी यूनिवर्सिटी में निशंक साहित्य पर शोध हुआ है, इनके लेखों को भारतीय और विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। मैं परिचय के सिलसिले में ये सब बता तो रहा हूं लेकिन खासकर वाइस चांसलर और प्रिंसिपल लोगों से अपील है कि वे मंत्री जी को प्रभावित करने के लिए इन किताबों की खरीद शुरू ना करें। मंत्री जी भी विशेष रूप से इन लोगों से पूछें कि आपने ये किताब मेरे मंत्री बनने के बाद पढ़ी है या पहले से पढ़ रखी थी। मेरी एक चिंता और है,
कई बार होता है कि मंत्री जी 44 किताबों के लेखक हैं तो हर लाइब्रेरी में उनकी खरीद धड़ाधड़ होने लगती है। इसलिए निशंक साहब एक आदेश जारी कर सकते हैं कि मंत्री बनने के बाद उनकी किताबों की खरीद सरकारी लाइब्रेरी के लिए ना हो, वरना प्रधानमंत्री बुरा मान जाएंगे। इससे उन पर हितों के टकराव का आरोप भी लग सकता है कि मंत्री की किताब में ही सारा पैसा लाइब्रेरी की खरीद का पैसा चला जा रहा है। डॉक्टर निशंक खाली वक्त में सामाजिक और देशभक्ति की फिल्में देखना पसंद करते हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये सब जानकारी, कितनी महत्वपूर्ण है। लगता है भारत को योग्य मानव संसाधन मंत्री मिल ही गया। उम्मीद की जा सकती है कि वे अपनी किताब सफलता की अचूक मंत्र का इस्तेमाल करते हुए मानव संसाधन मंत्रालय को बदल देंगे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगले 5 साल में 200 केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा के बारे में कहा गया है, 5 वादे हैं जो मैं बताना चाहता हूं। केंद्रीय विधि, इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन संस्थानों में हम अगले 5 सालों में कम 50% तक सीट बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। पिछले 5 सालों में हमने शिक्षा के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को एक बेहतर विकल्प समझा है और महत्व दिया है। अगले 5 सालों में हम इसे उच्च शिक्षा का एक प्रमुख संसाधन बनाकर प्रस्तुत करेंगे। कला, संस्कृति और संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, एक आतिथ्य एवं पर्यटन विश्वविद्यालय और एक पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। पिछले 5 सालों में हमारा ध्यान उच्च शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने पर था और उत्कृष्ट संस्थान इस ओर बढ़ाया गया एक कदम है। हम इसे आगे बढ़ाते हुए अगले 5 साल में यानी 2024 तक ऐसे 50 संस्थान तैयार करेंगे। घोषणा पत्र के हिसाब से तो बहुत ज्यादा लक्ष्य नहीं है, तो मंत्री रहते हुए भी निशंक जी 50 किताब तो पूरी कर ही दे, कम से कम हाफ सेंचुरी। घोषणा पत्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खाली पड़े पदों को भरे जाने का कोई वादा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पाठ्यक्रम का वो विकल्प बनाने पर जोर है। नई सरकार अगर इस दिशा में बढ़ती है तो कैंपस का स्वरूप बदलेगा, कैंपस में भर्तियों पर भी असर पड़ेगा, उतनी भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑनलाइन शिक्षा एक नए तरीके से क्रांति ला सकती है। कम संसाधन में ज्यादा लोगों तक शिक्षा पहुंच सकती है ऑनलाइन से। 3 दिसंबर 2014 को रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बात कही थी, ज्योतिष विज्ञान नंबर एक विज्ञान, उसके सामने विज्ञान कुछ भी नहीं। लोकसभा में कहा था कि लाखों वर्ष पहले भारत ने अणु परीक्षण कर लिया था। विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। यदि इस विज्ञान को उसके आगे बढ़ाना चाहिए और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर एक है श्रीमान। अब ज्योतिष की बात हो रही है, मैं समझता हूँ वो लोग आज ज्योतिष विज्ञान श्रीमान अणु बम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले ऋषि कणाद ने किया था इस धरती पर, जिस बारे में हास्यास्पद स्थिति में कहा जा रहा था कि गणेश जी का शीर्ष अलग हो गया और दक्ष प्रजापति का शीर्ष अलग हो गया तो वो सर्जरी थी। जी थी, वो पूरी दुनिया में वो विज्ञान कहाँ है जो हमारे पास है। सिर से धड़ अलग होने पर उस धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण करने का यदि विज्ञान था, वो गणित थी, वो ज्ञान था तो केवल हिंदुस्तान की धरती पर था। अगर निशंक साहब इतने ही कन्विंस हैं, संतुष्ट हैं और मुतमईन हैं तो उम्मीद है निशंक ज्योतिष विज्ञान की पढ़ाई के लिए नए IIT की स्थापना करेंगे। अगर ज्योतिष विज्ञान नंबर एक विज्ञान है तो ज्योतिष के लिए भी IIT होनी चाहिए या IIT को बदल देनी चाहिए ज्योतिष विज्ञान में। बाकी बात सब ठीक है। जब उन्होंने ये बयान दिया था तब हमारी सहयोगी निधि कुलपति ने उनसे विस्तार से बात की थी। विज्ञान कहता है कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, मगर निशंक साहब ने निधि से कहा कि ज्योतिष से भूकंप की भविष्यवाणी हो सकती है। भारत को निशंक जैसे वैज्ञानिक सोच वाले मानव संसाधन मंत्री की जरूरत है। रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे साथ मौजूद हैं। निशंक जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। संसद में आपने ऐसा क्या कह दिया, इतना हंगामा हो रहा है, आपके पार्टी के नेता आप कह रहे हैं ये उनका अपना निजी बयान है। हाँ, मेरा निजी बयान है ये, मैंने जो कहा है वो मेरा निजी है, पार्टी ने मुझे निर्देश नहीं दिया कि आप ये बोलिए। पहली बात ये, मैं संसद में आया हूँ, मैं जो मेरी भावनाएं हैं, जो मेरी नॉलेज है, मेरे ज्ञान है, उसी के आधार पर मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। कल मैंने जिस बात को कहा है उस बात में दो चीज़ें निकल करके आई हैं। एक बात तो आयुर्वेद के बारे में कहा है, दूसरी बात में ज्योतिष के बारे में कहा है और विज्ञान के बारे में कहा है। मुझे
मालूम नहीं कि लोगों को किस बात की परेशानी होगी, क्योंकि मैंने जिन बिंदुओं को कहा है वो मैंने हवा में तीर नहीं मारा है, अचानक नहीं बोला है, मैंने कुछ तथ्यों के और प्रमाणों के आधारों पर कुछ बातों को कहा है। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस बात को कहा था कि हमारा ये देश है, ये विश्वगुरु रहा है, हमारे पास ज्ञान और विज्ञान की कोई कमी नहीं रही है, और उसी ज्ञान और विज्ञान में जो प्लास्टिक सर्जरी है, उस बात को उन्होंने कहा, उसको मैंने पुख्ता किया, उस बात को मैंने बढ़ाया कि यदि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाँ, हमारे पास जब दुनिया में कुछ नहीं था तो भी हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी थी, उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि गणेश जी का, उसका उदाहरण उन्होंने दिया जो दक्ष प्रजापति हरिद्वार में राजा थे, उनका सिर से धड़ अलग हुआ था तो उनके धड़ पर उसका सिर प्रत्यारोपित किया था। मैं ये कहता हूँ कि यदि इन दोनों बातों को लोग कहते हैं ये धर्म से जुड़ी हैं, तो मैं तीसरी बात पर आता हूँ कि बिशपला है, बिशपला का जब पूरा पाँव कट गया था तो उसके पाँव पर दूसरा पाँव चढ़ा दिया था और उसने पूरा किया। सुश्रुत जो ग्रंथ है, जो संहिता है, उसमें 6000 वर्ष पहले इसका उल्लेख है। और प्लास्टिक सर्जरी और नोज की, दोनों जो नाक और कान की सर्जरी का उल्लेख है, आज का उल्लेख नहीं है, ये शास्त्रों में उल्लेख है। नहीं, हम ये डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये माइथोलॉजी नहीं है, ये ऐसे वाकई में हुआ होगा? थोड़ा चलते बात करते, मैं ये कैसे हम अपने बच्चों को बताएंगे कि ये साइंस नहीं? क्योंकि देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, 5 सितंबर को जब वो बच्चों से बात करते हैं वो कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। इस पे तो विवाद का विषय ही नहीं है। हाँ। मैं इसमें भी कह रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी ने ठीक तो कहा। इसमें भी साइंटिफिक होना चाहिए, आपको इसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? इसको साइंटिफिक होना चाहिए। यदि आज आयुर्वेद पर आ गए ना साइंटिफिक तरीके से, रिकॉर्ड है ना, बीजेपी और जो आयुष हो, बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, आयुर्वेद का नाम लेकर लोगों को खींचा जाता है। मैं दो बात कर रहा हूँ। जो लोग जिन सूत्र पर मेरे देश को विश्वगुरु कहा जाता था, जो उन सूत्रों का विरोध करते हैं वो देश के प्रति ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, कोई तो तथ्य थे, जैसे वास्तुशास्त्र में मैंने कल कहा कि आखिर आज राम सेतु है, दुनिया का कौन सा इंजीनियर आ गया था? हमारे पास तब का इंजीनियर वास्तु कला है, हमारे पास लोग क्या कहते हैं छोड़ दीजिए। और इसको भ्रम, भ्रम और यथार्थ में अंतर कैसे? यथार्थ की बात, भ्रम को तो छोड़ दीजिए, अंधविश्वास को खत्म कर दीजिए, हर चीज को वैज्ञानिक विश्लेषण पर करिए। अंधविश्वास को कौन बढ़ा रहा है, किस चीज पे, कौन चीज? अच्छा, आयुर्वेद अंधविश्वास को बढ़ा रहा है? नहीं, आयुर्वेद नहीं, जो तो योग, योग योग के अंधविश्वास को बढ़ा रहा है। योग का तो इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो इसलिए यही लोग पहले कहते थे आयुर्वेद के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो चीज है, अलग बात है। हमने उसको वैज्ञानिक विश्लेषण करके आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है, नहीं बढ़ाया, जिसने भी नहीं बढ़ाया। अब समय आ गया ना, पीछे क्यों देखें? मैं किसी को कुछना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस पैथी के साथ, इस देश के साथ न्याय नहीं हुआ। आज आर्यभट्ट ने, सर कंफ्यूजन देखिए, या तो हम इतने हजारों साल पहले चले जाते हैं, नहीं नहीं, हजारों साल जाने के जीवन की, हजारों साल पीछे जाने की जरूरत नहीं, उसी पर आगे बढ़ा है। एक भ्रम भ्रम बनाया जा रहा है। निधि जी, आज मैं आपको पेपर बताऊं कि जो हमारी चीजों पर दुनिया के लोगों ने शोध किया उसको हम ले रहे हैं, कहते हैं वो नया वैज्ञानिक विश्लेषण आया, हमसे हमारे शास्त्रों से वो शोध कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको ले रहे हैं। तो यदि आपके पास है वो चीज, आपके पास जो वो चीज है, तो आप उस पर अध्ययन करें, शोध करें, बढ़ाएं ना। आप कह रहे हैं कि जो विज्ञान है वो ज्योतिष के सामने बौना है, इस बात पे बहुत आपत्ति हुई लोगों को, क्योंकि विज्ञान का एक हिस्सा हो सकता है ज्योतिष। ज्योतिष को आप लोग कहते हैं साइंस है, ठीक है, आप कहते हैं साइंस है, तो ये तो एक हिस्सा हुआ ना विज्ञान का। विज्ञान किसको कहते हैं आप बताइए? मैं जानना चाहता, जो विज्ञान की बात करना चाहते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, विज्ञान किसको कहते हैं? ज्योतिष बड़ा कैसे हो? ना, आप विज्ञान किसको कहते हो? विज्ञान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ज्योतिष है वो लाखों वर्ष पहले जो ज्योतिष का गणित है और विभिन्न उसके आयाम हैं, वो आयाम सबसे पहले प्रकट हुए हैं। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये कहा पृथ्वी घूमती है, शून्य का सबसे पहले जो विश्लेषण दिया वो हमारे शास्त्रों में दिया है। आर्यन भट्ट ने ये भी कहा है कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं उसके क्या हैं। आज अमेरिका का वो वैज्ञानिक कह रहा है कि सूर्य पर जब धब्बा लगता है
तो उसके पृथ्वी पर विपरीत असर पड़ते हैं, उसके वो सुनिए उसके पीछे जा रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा गया, हमारे पास परंपरा नहीं, शास्त्र है हमारे पास, विज्ञान है, लेकिन सुनामी आई, सुनामी आई, भुज में भूकंप आया, ज्योतिष ने तो नहीं बताया। अब बता सकता था हमारे पास वो ज्योतिष था, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, हमारे हमारे क्या? पास बताया था, देखिए हमने आपने 100% बता सकता था, क्योंकि हमारे पास वो विधा है कि यदि धरती के अंदर कुछ भी होने वाला है तो उससे पहले उसके लक्षण। अच्छा ये बताइए आप निशंक जी, बता दीजिए काला जो धन है वो कब आने वाला है? वो तो आप पहले इस बहस को हम पूरा कर लेंगे तो ज्यादा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। देखिए मैं कितना काला धन है कोई बता दे, ज्योतिष हमें ये बता दे काला धन कब आने वाला है। वो ज्योतिष तो गणित पर है, ये उस पर नहीं है, यही गलत बात है। हम लोग इसीलिए तो अंधविश्वास में जा रहे हैं, हम आप भटक गए हैं। फिर मैं कह रहा हूँ ज्योतिष मदद कैसे करेगा, किस चीज में मदद चाहते हैं आप ज्योतिष की, किस चीज में मदद चाहते हैं? मदद जो ज्योतिष का जो तंत्र है, जो उसकी विधाएं हैं, जो उसका शास्त्र है, उसके अध्ययन पर करिए। आदमी को किस तरीके से पूर्व अनुमान, जैसे अभी आपने चर्चा की, सुनामी होने वाला है, भूकंप आने वाला है, ठीक है, बता सकता है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ इस बात को, सामान्य के साथ तो नहीं। कह रहे कोई भी प्राकृतिक आपदा से पहले अब 100% जो हमारी सरकार है इस पे पहले से आगाह कर देगी, निश्चित आगाह कर देगी, नहीं आगाह नहीं करेगी, पहले आगाह करेगी, वो चीजें कर सकती है, उसका विश्लेषण होना चाहिए, उसका वैज्ञानिक अनुसंधान होना चाहिए। हमारे पास ऐसे सारे के साथ सर, देखिए विज्ञान क्या करता है, सुनामी अलर्ट हमारे पास आ गए, अब एक सिस्टम आ गया है, हम लोग कहते हैं आप विज्ञान को उसको दोनों का अलग मत करिए। नहीं नहीं, देखिए उत्तराखंड में डॉपलर, देखिए डॉपलर रडार लगना था, वो नहीं लगा अभी तक उत्तराखंड में। जब दूसरी बात कह रहा हूँ, नहीं सर मैं फिर कह रहा हूँ, वो तो थोड़ा बचा सकते हैं, मुझे उसी स्थान पर आइए ना, अलग बात है कि यदि हमने किसी चीज पर अध्ययन नहीं किया, ठीक है, तो का मतलब वो चीज है ही नहीं। आप ये तो कह सकते हैं कि उसको आगे अध्ययन होना चाहिए था, वो चीज हमारे पास है। रमेश पोखरियाल निशंक भारत के मानव संसाधन मंत्री हैं। अगर उनकी बात सही है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का चीफ किसी ज्योतिष को बनाना चाहिए तुरंत, ताकि भूकंप और तूफान का पहले ही पता चल जाए, और इन सब चीजों को पता लगाने के लिए जो वैज्ञानिक चीजों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं उनको तुरंत बंद करके वो पैसा गरीबों की जिंदगी बदलने में लगाई जाए। क्योंकि ज्योतिष जब सारा फोरकास्ट कर ही देगा तो बाकी चीजों में टेस्ट वगैरह क्यों चले, और हम जल्दी से बचाव का काम भी शुरू कर सकें। ब्रेक के बाद हम पलायन पर बात करेंगे। हर चुनाव में राजनीतिक दल पलायन रोकने का दावा करते हैं, मगर पलायन नहीं रोकता। यह जरूर है कि राजनीति का नजरिए राजनीति का जो नजरिया है वो दूसरे रास्ते से बदल रहा है। 14.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए अब मिलेंगे। क्या ये सब कदम काफी होंगे पलायन को रोकने के लिए? अनुराग द्वारी ने झाबुआ से रिपोर्ट किया मध्य प्रदेश के, कि मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बाद भी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों से पलायन नहीं रुक रहा है। आरोप है कि ना तो समय पर काम मिलता है और ना मजदूरी। चुनाव हो गए, नई सरकार बन गई, लेकिन आदिवासी बहुल झाबुआ अलीराजपुर में ये तस्वीरें जस की तस रही। बस में लटके लोग काम की तलाश में बस स्टैंड पर इंतजार, पड़ोसी गुजरात का सफर, ग्रामीण परिवार सहित मजदूरी के लिए राजस्थान गुजरात सहित महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं। बस स्टैंड पर सुबह से ही पलायन करने वाले ग्रामीणों का तांता लगना शुरू हो जाता है। गुजरात और राजस्थान की बसों में तो पैर रखने की जगह नहीं मिल पाती है। इस इलाके के ग्रामीण बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, मोरवी सहित महाराष्ट्र और राजस्थान के बड़े शहरों में मजदूरी की तलाश में जाते हैं। कुछ मजदूरों ने बताया कि मनरेगा में काम बंद पड़े हैं। कुछ सरपंच बताते हैं कि 2 साल से सामग्री का भुगतान नहीं हुआ है, मजदूरों की मजदूरी का भुगतान भी कई कई महीनों बाद हो रहा है। भंवर पीपलिया गांव के मुकेश हो या कल्याणपुरा के लाल सिंह कटारा, पंचायत से काम नहीं मिलता, काम मिला तो मजदूरी मिलने का लंबा इंतजार। गुजरात मजदूर पे जा रहे हैं, मनरेगा में काम नहीं मिलता है, पंचायत सरपंच के पास जाते हैं तो काम नहीं रहता है कहीं भी, इसलिए और यहाँ पे ऐसे भी कम मिलते हैं, गुजरात में ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए हम पूरे परिवार सहित गुजरात चले जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते? यहाँ मजदूरी नहीं मिलती ना। हाँ अभी वोट देने आए थे, अब जा रहे हैं वापस। हम वोट डालने आए थे
अभी परिवार के साथ। यहाँ पे मनरेगा योजना है, उसमें कोई काम नहीं मिलता। सरपंच से भी बात करी थी लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। इसके लिए हमको बाहर गुजरात में पलायन पे जाना पड़ता है। मजदूरी मिलती है? मजदूर यहाँ झावा में तो कुछ भी नहीं है, वो मनरेगा योजना है उसमें तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए हमको गुजरात पलायन पे जाना पड़ता है। वहाँ मजदूरी अच्छी मिलती है? हाँ, वहाँ अच्छी और पैसे भी थोड़े अच्छे मिलते हैं गुजरात में। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जिले में पर्याप्त काम है, समय पर मजदूरी भी दी जा रही है। हम रेगुलर कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग हमने मनरेगा योजना के तहत 15,400 काम चल रहे हैं हमारे, उसमें हमने लगभग 46,22,000 मैंडेट जनरेट किए हैं। मतलब मजदूरी दी है लोगों को, इतने मजदूर हुए हमारे। और मटेरियल और मजदूरी दोनों का मिला के 122 करोड़ लगभग हमने उनको मजदूरी का भुगतान किया है। मजदूरी और मटेरियल दोनों का काम किया है, दिया है। झाबुआ की जनसंख्या 10,25,048 है, जिसमें से 4 लाख से अधिक लोग साल भर में पलायन करते हैं। मध्य प्रदेश में 91,07,000 मनरेगा श्रमिकों में से 34% अनुसूचित जनजाति से हैं। झाबुआली राजपुर में आदिवासियों का पलायन पानी की समस्या बड़ा मुद्दा है। बाग प्रिंट का ये इलाका बड़ा सेंटर है लेकिन कारीगरों की कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है। इस इलाके में अलीराजपुर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में डोलोमाइट के पत्थर बड़ी मात्रा में हैं। पत्थरों को पीसने के कारखाने भी मौजूद हैं। हालांकि इन खदानों से इलाके के लोगों को रोजगार कम, फ्लोरोसिस और सिलिकोसिस जैसी बीमारियां ज़्यादा मिली। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी 174 रुपये से बढ़ाकर 176 रुपये की गई, फिर भी राज्य इस मामले में देश के सबसे कंजूस राज्यों में शुमार रहा। ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा था कि इसे कम से कम कृषि मजदूरी की दर यानी 231 रुपये प्रतिदिन किया जाए। हम समझते हैं कि ये मध्य प्रदेश के मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जब मजदूरी निर्धारित करते समय सिर्फ 2 रुपये मजदूरी बढ़ाने का काम किया था, जबकि दूसरे राज्यों में हम समझते हैं कि 250 से लेकर 270 रुपये तक मजदूरी है। तो मध्य प्रदेश के मजदूरों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इस ओर हमारे जो नई केंद्र सरकार बनी है, देश के प्रधानमंत्री और खासकर पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जो भी बनेंगे वो ध्यान देंगे। बहुत सारी विसंगतियां रोजगार गारंटी योजना जो लागू हुई थी, इसको क्रियान्वयन में पिछली सरकार ने प्रदेश में जिस स्तर पर इसका सही ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए उसको क्रियान्वयन करने में कहीं ना कहीं कमजोरी की थी, और जिसकी वजह से हमारे जो गरीब हैं, मजदूर हैं, वो रोजगार के तलाश में दूसरे राज्यों में भी पलायन करते थे। जबकि सच बात तो ये है कि हमारी सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने जब योजना लागू की थी उस समय बहुत सोच समझ करके ये योजना लागू की थी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू करते समय कि एक तरफ जहां गांव का विकास भी होगा और दूसरी तरफ जो मजदूरी के अभाव में, रोजगार के अभाव में गरीब लोग पलायन करते हैं, पलायन रुकेगा, इसमें हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र पर निशाना साध रही है लेकिन एक हकीकत ये भी है कि 8 महीने से सरकार ने ग्राम पंचायतों को सामग्री का भुगतान नहीं किया है, जिसकी वजह से वर्तमान में 9 जिलों की पंचायतों में 90% काम बंद हो गए हैं। सरकार कहती है पिछले वित्तीय वर्ष में नरेगा के तहत मजदूरी और सामग्री का अनुपात पंचायतों ने मेंटेन नहीं किया। सरकार भी मानती है कि मनरेगा में जमकर भ्रष्टाचार भी हुआ है। थोड़ी सी विसंगतियां तो हो रही हैं, समय पे फंड नहीं आ पाता कई बार, और जिसकी वजह से मजदूरी भुगतान भी 3-3, 4-4 महीने बीच में लंबित था। फिर काफ़ी प्रयास के बाद राशि उपलब्ध हुई तो मजदूरी भुगतान तो हो गया था, पर मटेरियल का भुगतान अभी भी लंबी चल रहा है और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार से जैसे ही राशि मिलेगी तो हम समझते हैं कि मटेरियल के भी भुगतान हो जाएंगे और मजदूरी के भी भुगतान जो बचे हुए हैं उसका भी हम समझते हैं कि जल्दी से जल्दी कर लेंगे। इसमें भ्रष्टाचार भी पहले बहुत हुआ है और इसका मिसयूज भी हुआ है, और कहीं न कहीं हम समझते हैं कि प्रशासनिक कसावट की कमजोरी की वजह से इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई है। 15 साल सत्ता में रही बीजेपी ने मजदूरों का पैसा तो नहीं बढ़ाया, 6 महीने पहले उसे 174 रुपये ठीक लगे, अब कह रही है राज्य सरकार मजदूरी बढ़ा दे। गरीब श्रमिकों के नाम पर मनरेगा से जो पैसा आता था कांग्रेस के शासनकाल में उसकी खूब बंदर बांट हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सीधे खाते में पैसा जाने लगा श्रमिक के, जनधन खाते में। मुझे लगता है अनेक प्रकार के सुधारों का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है, पर मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार है
उनको यदि ऐसा लगता है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में यहाँ राशि कम है तो जनहित में उसका प्रावधान करना चाहिए। उस समय जितना आवश्यक था उस राशि का प्रावधान किया गया था और संबंधित लोगों के द्वारा यदि इस प्रकार का ध्यानाकर्षण होता तो उसमें परिवर्तन हो जाता। पर अब चूंकि इस छमाही के पहले की बातें हैं ये सब, अब राज्य का निर्णय तो कांग्रेस सरकार को ही करना होगा। हम मांग करते हैं कि पड़ोसी राज्यों की तरह यहाँ के श्रमिकों को भी बढ़कर के भुगतान हो मजदूरी का। कांग्रेस बीजेपी के आरोप प्रत्यारोपों के बीच कुछ सरपंचों ने बताया कि मनरेगा में सामग्री का भुगतान लंबे वक्त से नहीं होने की वजह से उन्होंने कर्ज लेकर काम करा लिया और अब वो बाजार के कर्जदार हो गए हैं। उनके एक वोट से कई नेताओं की किस्मत बदल गई, लाल बत्ती मिल गई, मंत्री बन गए, लेकिन उनके पैरों में पलायन जुड़ा रहा। और शायद इस कविता में उसे सबसे बेहतर तरीके से व्यक्त किया गया है कि वो जब चलने के लिए खड़े हुए तो अपने पैरों में जूतों की जगह सड़कें पहन ली, एक नहीं दो नहीं बदल बदल कर हजारों सड़कें। झाबुआ से सचिन जोशी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।